हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय प्रकाश गुप्ता मीन्स जेपी सर। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इट इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इज ईवीएस। यू ऑल आर ऑलरेडी नो दैट। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर आई हैड कंप्लीटेड 2 or 3 पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स एंड टुडे आई विल स्टार्ट ऑनवर्ड दैट पेज। ओके, ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके पास कुछ स्पेशल मटका, कुछ अलग तरह का मटका है वाटर एट योर प्लेस, आपकी जहाँ जगह पे आप पानी भरते हैं? Look at water is being filled in this beautiful copper pot. Okay student, इस पानी में देखिए जहाँ पे ये कॉपर की जो मटका है, प्लेट, मटका, पोट मीन्स मटका, ये देखिए, दिस बोथ आर, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, तांबे की जो बनी होती है उसे, दैट इज कॉल्ड कॉपर पोट। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इन दिस बोथ पीक। नाउ द शाइनिंग येल्लो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर वन पॉट इज ब्रास मेटल एंड सेकेंड वन इज, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। एक मटका कॉपर का बना हुआ है एंड फर्स्ट सेकेंड वन ब्रास, ब्रास मीन्स पित्तल, कॉपर मीन्स तांबा। द येल्लो शाइनिंग पॉट ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। Many stone earring are also made near the place of drinking water. Stone carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Students, क्या आपने कभी अच्छी building, इमारत देखी है किसी पानी के पास, कहाँ, कहीं देखी है? Okay. Find out. Is there a lake? क्या lake, well, staple near your house or school? क्या आपके school और घर के आसपास, is there a lake? क्या कोई तालाब है, झील है, ठीक है, क्या कोई staple, कुआँ है सीढ़ी वाला? Visit it. वहाँ पर आप विजिट कीजिए। Find out more about it. आप वहाँ पर विजिट कीजिए एंड फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट इट, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए। How old is it? ये कितना पुराना है? He got it built. इसे किसने बनाया? What kinds of buildings are around it? और उसके आजू बाजू किस तरह की बिल्डिंग है? Is the water clean? क्या ये पानी साफ है? Is it cleaned regularly? क्या इसे रेगुलर बेस पे साफ किया जाता है? Who all use the water? कौन कौन इस पानी को यूज़ करता है? Is there any festival celebrated at this place? क्या कोई फेस्टिवल, त्यौहार इस जगह पे मनाया जाता है? Is there any water today or is it dry? क्या यहाँ पे आज पानी है या सूखा है? Discuss. Students, there are old wells in the area where Punita lives. यहाँ पे, वहाँ दो कुएँ हैं उसके एरिया में, कहाँ, where Punita lives, जहाँ पुनीता रहती है। Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in this well. उसकी दादी जी कहती हैं अबाउट 15-20 साल पहले देयर वॉज वाटर इन दिस वेल, उस कुएं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, और कुएं का पानी सूख गया था, बिकॉज
क्योंकि यदि वाटर वाटर इज बींग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. स्टूडेंट्स क्या किया गया, वाटर पानी को पंप की मदद से ग्राउंड में जितना जो पानी होता है विद द हेल्प ऑफ पंप एवरीबडी पम्प्ड इट फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके स्टूडेंट, आपके घर में भी पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाने के लिए यू आर ऑल्सो यूजिंग पंप. ओके एंड यू आर ऑन, यू ऑन द स्विच ऑफ ऑफ द पंप, देन पंप स्टार्ट्स टू ड्रा टू पंप द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड द सोइल. ओके स्टूडेंट, द लैक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. लैक्स जो भी तालाब जिसमें पानी इकट्ठा होता था आर नो लॉन्गर देयर, वो भी ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे नहीं रहे. द सोइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट. सोइल थी, जमीन थी, वो क्या हो गया अब कवर्ड विथ सीमेंट से कवर हो गए. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, क्या इसका कोई अलग से कोई कारण हो सकता है, एक्सप्लेन समझाइए. स्टूडेंट यू मे हैव सीन दैट, आपने देखा होगा किसी की जगह पे आपने विजिट किया होगा. व्हेन यू विजिटेड देयर यू फाउंड देयर वॉज अ लेक एंड दैट इन दैट एरिया, बट नाउ इन प्रेजेंटली व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट दैट प्लेस एट दिस टाइम दैट प्लेस हैज गॉन, दैट प्लेस नाउ बिकम अ न्यू प्लेस, देयर इज नो एनी लेक एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लेक. Now road become their places, now building flats constructed there. Okay students, the story today, let us see different ways in which people manage water today. चलो देखते हैं किस किस तरह से लोग अपने पानी को आज मैनेज करते हैं. स्टूडेंट as we know that water is precious, we know that पानी जो है बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, बट सो वी शुड यूज इट इन प्रॉपर वे. ओके एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इट. ओके वी यूज वाटर अकॉर्डिंगली अवर यूज. ओके इफ आई कैन ड्रिंक ओनली वन टू ग्लास ऑफ वाटर, देन आई शुड नॉट ड्रिंक मोर देन टू ग्लास ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट, सी पेज 57 एंड डिस्कस. 57 नंबर का पेज देखिए और डिस्कस कीजिए. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज, क्या आप अपने घर में पानी को प्राप्त करते हैं कोई भी इन तरीकों में से, टिक कीजिए ऑन दैट. इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक, यदि आप पानी किसी और तरीके से लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हियर इज यू कैन सी दिल्ली जल बोर्ड. ओके स्टूडेंट, वी ऑल आर नो दैट वी ऑल यूज वाटर टू ड्रिंक, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग उटेंसिल्स. उटेंसिल्स मतलब बर्तन. यस स्टूडेंट यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. यूटेंसिल मीन्स बर्तन, फॉर वॉशिंग अवर क्लॉथ्स, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग. ओके स्टूडेंट, वी ऑल आर यूज वाटर फॉर अवर डिफरेंट पर्पजेज. ओके ओके, नाउ as we know that water is precious. Okay, so we should use in a proper way. How can we use in proper way? Okay, when we go to the bath in washroom, then we should use a bucket, because if we bath under running tap, then it will waste a lot of water. Okay,
देन इफ यू यूज बकेट जग मग देन यू कैन गेट आइडिया द बकेट इज फुल फुल्ड बकेट इज नाउ फुल देन यू हैव टू क्लोज योर रनिंग टैप ओके बट अंडर रनिंग टैप इफ यू आर बाथिंग इन द shower then you cannot get idea how much water is wasting okay so I want to give some advice to you so we should use water proper way because water is very precious amount precious material okay jo cheez kimti hoti hum use kitne dhyan se hum use chalate hain jaise suppose your mobile phone aapki koi navi clock watch ghadi hoti hai to aap kya karte ho use acche se chalate ho और कोई भी कांच का नवा मटेरियल आता है ग्लास का आप क्या करते हो आपकी मम्मी पापा या फिर आप अपने दोस्त को बोलते हो कि इसको टच मत करना गिर जाएगा टूट जाएगा व्हाई बिकॉज वी गिव मोर मनी इट इज एक्सपेंसिव वो क्या बहुत महंगी चीज है इट इज एक्सपेंसिव मटेरियल सो वी टेल एवरीबडी डोंट गो देयर एंड डोंट टच इट ओके स्टूडेंट्स ओके लेट अस टॉक अबाउट हियर इज अ दिल्ली जल बोर्ड यू कैन सी हियर स्टूडेंट दिल्ली जल बोर्ड का एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक जल बोर्ड का एक रिसिप्ट है वी ऑल आर पेइंग टैक्स वाटर टैक्स सम प्लेसेस दे आर पेइंग पर मंथ दे आर पेइंग क्वार्टर सिक्स मंथ एंड सम प्लेस पीपल्स आर पेइंग देयर वाटर टैक्स अर्ली okay student okay let us talk about it everyone has the right to live sabke paas jeene ka adhikar hai student yet is everybody getting enough water sabko jeene ka adhikar hai isliye sabko enough ek enough matlab paryapt matra mein pani milta hai peene ke liye bhi why is it that some people have to buy drinking water ऐसा क्यों होता है कि पीपल पानी की पीने के पानी के लिए खरीदते हैं शुड इट बी लाइक दिस क्या ऐसा होना चाहिए वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल धरती पे जो पानी है वो एक के लिए एक और सभी के लिए है सम पीपल ड्रो आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स स्टूडेंट कुछ लोग क्या करते हैं पानी को ग्राउंड से उसका जो लेवल होता है अंडरग्राउंड लेवल उसको पंप से खींचकर बाहर लेकर आते हैं एंड बोरवेल मीन्स स्टूडेंट जो मशीन जो होता है दैट दे आर यूजिंग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल दैट इज कॉल्ड बोरवेल्स हाउ फार इज इट करेक्ट तो ये कितने हद तक सही है हैव यू एवर सीन दिस क्या आपने कभी ऐसा देखा है Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? Students, आपने देखा होगा एक पानी के पाइप से पानी आता है कुछ लोग क्या करते हैं जब पानी आने का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के हिसाब से पंप का जो पाइपलाइन होता है वो कनेक्ट कर देते हैं दिल्ली जल बोर्ड मतलब कोई भी जल बोर्ड होगा जहाँ पे पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी का उसके उस पाइप में अब मोटर चालू कर दिया देन वॉट विल हैपन They will draw more and more water from the Jal Board, from the municipality pipeline. Student, अब क्या होगा सबने मोटर लगा दिया तो उससे क्या होगा स्टूडेंट पानी जो है सबके पास जिनको ज़रूरत है उनको पानी नहीं मिलता और स्टूडेंट ये तो वही बात हो गई ना कि आपने पानी खींच लिया सबने पानी खींच लिया अब मुझे ज़रूरत है मेरे घर में पंप नहीं है तो पानी की कमी तो मुझे होगी ना तो मैं पानी भरने के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा सो आई शुड ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू ड्रिंक वाटर टू गेट वाटर तो इससे क्या हुआ हम पंप यूज करके भी बहुत किसी दूसरे लोग को हम पीड़ित कर रहे हैं मतलब उनको हम दुख दे रहे हैं वी आर गिविंग सैड टू देयर फैमिलीज ओके हाँ स्टूडेंट ऐसा कर सकते कि पहले पानी आ जाए टंकी भर आ जाए देन यू कैन यूज पंप टू पुट योर वाटर इन टू द टैंक ओवर हेड टैंक ओके स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड शीतल टैंक आई नो दैट यू ऑल हैव शीतल टैंक
आपके घर में भी छत पे वो ब्लैक कलर की टंकी होती है, किसी किसी की वाइट कलर की टंकी होती है। ओके स्टूडेंट, व्हाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? क्यों कुछ लोग जल बोर्ड पाइपलाइन में सीधा पंप लगा देते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? क्या होता है इससे, बाकी लोगों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपके पास कोई ऐसा कोई अनुभव है? लुक एट दिस बिल एंड टेल, फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम? किस ऑफिस से बिल आया स्टूडेंट्स? तो दिल्ली जल बोर्ड। ओके स्टूडेंट, डू यू गेट वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। क्या आपको भी अपना पानी का बिल मिलता है? फाइंड आउट कीजिए वो कहाँ से भेजा जाता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटेन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? आपको क्या लगता है दिल्ली गवर्नमेंट रिटेन अंडर जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर क्यों लिखती है? इन हुज नेम इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? स्टूडेंट, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग पर्सन के नाम पे वाटर टैक्स आता है, पानी का बिल आता है, जो साल में 3 मंथ और हाफ अर्ली में भरना होता है। ठीक है, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। डू यू हैव टू पे? क्या आपने पानी का पैसे भरे हैं? हाउ मच, कितना? इज द रेट, क्या इसका जो रेट है वो डिफरेंट अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग होता है? आस्क योर एल्डर, अपने बड़े परिजनों अपने बुजुर्ग लोगों से पूछिए। ओके स्टूडेंट, अपने मम्मी पापा से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पानी का बिल कितना आता है, कितने महीने पे भरना होता है, साल में भरना होता है, हाफ अर्ली में भरना होता है, क्वार्टरली भरना होता है या पर मंथ। दे विल टेल यू। ओके स्टूडेंट्स, इट कैन बी डन। देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। कहीं कहीं पे कुछ ग्रुप होता है जो पानी को अलग अलग जगह से हार्ड वर्क करके लाते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। और वो अपनी समय पे बुजुर्ग लोग से पूछते थे कि पानी किस तरह से वो लाते थे। स्टूडेंट, अभी आप तो बहुत खुश हो गए क्योंकि अभी तो पंप का जमाना आ गया है, बट आस्क योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंड मदर, एट दैट टाइम व्हेन दे वर इन देयर विलेज, व्हेन दे वर लाइफ लिविंग इन देयर विलेज, दे वर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम फर प्लेस। एट दैट टाइम नो पंप इज अवेलेबल, नो देयर। ओके, दे वर यूजिंग हैंड पंप, अदरवाइज they have to travel more distance for places to bring water. Okay student, they rebuild the old lakes and johadas. उन्होंने वापस पुराने झरने बनाए, तालाब, johadas, and also build a new one. और अलग नवे नवे भी बनाए। Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh हेल्प डरकी माई। किस तरह से तरुण भरत संघ ने हेल्प की डरकी माई की? स्टूडेंट, डरकी माई कौन है? लेट अस चेक अबाउट इस डिटेल। स्टूडेंट्स, दिस इज डरकी माई। स्टूडेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज डरकी माई। सी लिव्स इन विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। ये राजस्थान के एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में रहती हैं। स्टूडेंट, द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एनिमल्स। ये जो वुमेन है वो गांव में खर्चा करती थी एंटायर डे, पूरा दिन, लुकिंग आफ्टर देयर होम एनिमल्स। अपने घर में घर के लोगों और प्राणियों को देखने के बाद, Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. कभी कभी वो लाती थी, पूरी रात पानी लाती थी कुएं से
प्राणियों के लिए, एनिमल्स के लिए। इन द समर, गर्मियों के दिनों में, व्हेन द वेल्स ड्राई अप, जब कुएं सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, और उनको गांव छोड़ना पड़ता था। डर्कीमाई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, डर्कीमाई ने इस ग्रुप के बारे में सुना। आस्क्ड फॉर हेल्प, उनसे मदद के लिए पूछा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, सब गांव वाले लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि गांव में एक तालाब बनाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, खाने की समस्या और पानी प्राणियों के लिए, पानी एनिमल्स के लिए पानी की समस्या कम हो गई। पीपल गेट मोर मिल्क, जिसे पानी बना, गाय को खाना मिला, देन नाउ प्रेजेंटली पीपल गेट मोर मिल्क, अब अभी के लोगों को ज़्यादा दूध मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, अब पानी मिल रहा है, गाय अच्छे से जिएगी, खाएगी पिएगी, हेल्दी रहेगी, तो मिल्क ज़्यादा मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्निंग ज़्यादा हो रही है वहाँ के लोगों की, अब वो अर्निंग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। फ्रॉम द बुक चार गाँव की कथा, चार गाँव की कथा से लिया गया। स्टूडेंट, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर, क्या आपने इस तरह का कभी कुछ न्यूज़ पढ़ा है समाचार में? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, कैसे लोग उनकी समस्याओं, पानी की समस्या को सॉल्व करते हैं? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या वे रिपेयर करते या फिर वापस यूज करते कोई पुराने तालाब या सीढ़ी वाले कुएं का? स्टूडेंट, हियर आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एवरी ड्रॉप काउंट्स। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट द व्हाट इज वाटर, फ्रॉम वेयर डज वाटर गेट फ्रॉम, ओके, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड वी नो द हाउ टू यूज water properly and we should not waste water as we know that water is precious material. Okay student, okay, I hope you may have enjoyed this video. मैं आगे भी इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।